1 मीटर 30 सेंटीमीटर कचरे के निशान से नीचे चल रहा है। तो पानी लगभग लगभग सभी जगह से निकल गया है। कुछ जगहों पर थोड़ी जो जल भराव की स्थिति है वो आबादी को नहीं प्रभावित कर रही है, उस जल भराव को हटवाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही क्योंकि पानी गिरने पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं तो 32 मेडिकल टीम बनाई गई हैं। 32 मेडिकल टीम सभी गाँव में जाकर कैंप ऑर्गेनाइज कर रही हैं और वहाँ पर इलाज भी कर रही हैं, जागरूक भी कर रही हैं, क्लोरीन की टेबलेट्स वगैरह भी वितरित कर रही हैं ताकि लोगों को बाढ़ के बाद वाली होने वाली जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उनसे बचाया जा सके। पशुओं के लिए भी जो पशु चिकित्सकों की टीम है वो भी इसी प्रकार से कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा DPRO के माध्यम से और नगर विकास के माध्यम से वहाँ पर भी टीम बनाकर साफ सफाई का एक विशेष अभियान, प्लस इसके साथ ही जो दवाइयों का छिड़काव रहता है, एंटी लार्वाइयों अन्य दवाइयों का जो छिड़काव है वो भी सतत रूप से चालू है। इसके अतिरिक्त जो भी प्रभावित क्षेत्र हुए हैं वहाँ पर प्रभावित परिवारों को राशन किट्स का वितरण भी तीव्रता से माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कराया गया। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।